हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ऑन इजीली। आई एम डॉक्टर सुधा, योर मेंटर फॉर बायोलॉजी। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इन आवर नीट एंड बोर्ड प्रेपरेशन, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो का फर्स्ट चैप्टर। नो डाउट ऐसा लगता है कि ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, आपने बहुत छोटी क्लासेस में भी अपने पढ़ा हुआ है, बट हर चैप्टर एनसीईआरटी का जो हर चैप्टर है, एनसीईआरटी को इतने सिस्टमैटिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हर जो चैप्टर है वो दूसरे चैप्टर का ये कह लो कि उससे लिंक करता है। तो जब तक आप बेस से नहीं समझेंगे, बेस से अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आप बाकी चैप्टर्स को नहीं समझ पाएंगे। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बायोलॉजी का, 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो। जैसा कि हमें पता है, वर्ड्स को अगर हम समझें, वेरी फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर भी कौन सा है, रिप्रोडक्शन। हमने 10th क्लास के अंदर देखो पढ़ा हुआ है कि लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं एक लाइफ के लिए। ठीक है, बट हमने ये भी डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ प्रोसेस, इट इज ऑल्सो अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, विच इज ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी नहीं है जिंदा रहने के लिए, बट लाइफ को कंटिन्यू करवाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला प्रोसेस है। ठीक है, मीनिंग क्या है? अगर मैं रिप्रोडक्शन की मीनिंग की बात करूं तो वर्ड्स को ब्रेक करेंगे, री मतलब अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब हमें पता है क्या होता है, टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करना है हमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही बेबी ऑर्गेनिज्म्स को या अपनी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम ह्यूमन के एग्जांपल लें, एक छोटा सा बेबी बर्थ लेता है, बर्थ लेने के बाद वो धीरे धीरे ग्रो होता है, ग्रो करते करते एडल्ट बन जाता है, एडल्ट बनने के बाद वो एंटर होता है रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद धीरे धीरे उसकी एजिंग स्टार्ट होती है, एजिंग सेनेसेंस स्टार्ट होती है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से एक पूरी जो लाइफ है वो कहाँ से शुरू होती है, बर्थ लेने से शुरू होकर डेथ पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, इसी को ही क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, क्या बोलेंगे लाइफ स्पैन की डेफिनेशन, दैट इज ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। माइंड करेंगे इस वर्ड को, एंड नेचुरल डेथ मतलब जो डेथ है ना, दैट शुड बी नेचुरल इन द डेफिनेशन ऑफ लाइफ स्पैन। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने जिसने भी बर्थ लिया है, किसी वजह से उसकी डेथ हो सकती है, इट कैन बी एक्सीडेंटल डेथ, बट जब हम लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, हम बोलेंगे नेचुरल डेथ और बर्थ के बीच का जो पीरियड है, दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ लाइफ स्पैन के फेजेस की, अगर हम बात करें लाइफ स्पैन के फेजेस की, तो देखो लाइफ स्पैन को ना मैं डिवाइड कर सकती हूँ कितने फेजेस में। स्टार्टिंग का फेज तो देखो क्या हुआ, बर्थ हुआ, राइट? बर्थ के बाद कौन सा फेज आता है, जुविनाइल फेज। कौन सा फेज आएगा, जुविनाइल फेज या अर्ली स्टेजेस, जुविनाइल फेज, या इसको मैं बोल दूँ अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। फिर कौन सा पीरियड आता है, मैच्योरिटी का। मैच्योरिटी मतलब एक तरह से आप ऐसा मान लो रिप्रोडक्टिव फेज। जब एक ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तो ही इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द बेबीज ऑफ देयर ओन काइंड। ठीक है, देन आफ्टर कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है, एजिंग। ठीक है, एजिंग और सेनेसेंस। ठीक है, सेनेसेंस, और आफ्टर दैट देयर इज डेथ। डेथ कौन सी, नेचुरल डेथ। अब इसके बीच में ये जो पीरियड बना, ड्यूरेशन बनी, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, इसी को ही हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, ये हुई डेफिनेशन किसकी, लाइफ स्पैन के बारे में। अब देखो एक चीज़ समझते हैं,
लाइफ स्पैन सब ऑर्गेनिजम्स के लिए वेरी करता है. किसी का, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की बात करें कि हम ये बोलते हैं कि ह्यूमंस 70 इयर्स तक, 80 इयर्स तक, 90 इयर्स तक दे सर्वाइव, है ना. बट ऐसा तो नहीं है कि सब ह्यूमन बींग्स 90 इयर्स तक सर्वाइव करते हैं. कुछ 100 तक भी सर्वाइव करते हैं और कुछ किसी भी वजह से, हो सकता है अर्ली एज में ही जिनकी डेथ हो जाती हो. तो हम ये नहीं कहेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो, सॉरी ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है वो हम कम बोलेंगे. नहीं, हम ऑन एन एवरेज सब की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो देखते हैं एक बार ये वेरिएशंस इन द लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन हर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है. किस बात पे ये डिपेंड करता है लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. किस तरह के हैबिटेट में मान लो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, नहीं दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे. लाइफ स्पैन जो है अकॉर्डिंग टू, ऐसा मान लो कि हर बॉडी का अपना स्ट्रक्चर होता है, फिजियोलॉजी होती है, और उसके अकॉर्डिंग लाइफ स्पैन भी वेरी करता है. आपके सामने बहुत सारी पिक्चर्स हैं जिनमें से अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग लाइफ स्पैन हैं. एलिफेंट की बात करो तो 60-70 ईयर का लाइफ स्पैन है. वेयर एज अगर आप एक पैरट को देखो तो इसका लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स का. कितना लाइफ स्पैन है? 140 ईयर्स का. ठीक है, ऐसी ही बनियन ट्री है ना, 100-200 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं. ट्रीज की अगर बात करूं, रोज 5-7 ईयर्स, काउ 20-25 ईयर्स, एंड दिस इज क्रोकोडाइल 70-100 ईयर्स तक दिस कैन सर्वाइव. ऐसे ही ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई 28 डेज. मे फ्लाई की बात करूं तो वह सिर्फ एक दिन तक जिंदा रहती है. सोचो, एक दिन का लाइफ स्पैन है, एक दिन में उसने बर्थ भी लिया है, मैच्योरिटी भी हासिल की है, रिप्रोडक्शन भी किया है, और आफ्टर दैट एजिंग, सेनेसेंस एंड डेथ. ठीक है, तो हाउ यू कैन से कितना वेरिएशंस है इस लाइफ स्पैन में सब ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो एलिफेंट है, एलिफेंट इज अ वेरी ह्यूज एनिमल, बहुत ही बड़े साइज का एनिमल है. ठीक है, उसके आगे अगर मैं कंपैरिजन करूं पैरट का, तो पैरट तो एक बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, एनिमल है. तो क्या लाइफ स्पैन पैरट का ज्यादा है, एलिफेंट का कम है? तो क्या आपको लगता है कि जो लाइफ स्पैन है ये बॉडी साइज पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं. तो लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, किसी भी तरह से साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी साइज. ठीक है, अच्छा अब हम एक बात करते हैं, हर वो ऑर्गेनिज्म जिसका इस धरती पे जन्म हुआ है वो कभी ना कभी तो भैया मरेगा तो जरूर, वो मतलब डेथ तो उसकी होनी ही होनी है. डेथ इज सर्टेन, बट डेथ इज सर्टेन किसकी? ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की डेथ तो सर्टेन है, बट डेथ को ये मान लो कि इसका जो सॉल्यूशन है, मतलब अगर सब ऑर्गेनिज्म अगर मान लो इस धरती के ऊपर खत्म हो जाए तो क्या इस धरती पर लाइफ बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी. तो डेथ का एक तरह से ऐसा मान लो कि कंपनसेशन जो है दैट इज रिप्रोडक्शन. तो स्पीशीज लाइफ ऑफ स्पीशीज कंटिन्यू, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म भले ही खत्म हो जाए, एक ह्यूमन जो है इंडिविजुअली वो भले ही खत्म हो जाए, उसकी भले ही डेथ हो जाए, बट ह्यूमन की स्पीशीज तो चल रही है ना इस अर्थ के ऊपर. ठीक है, तो लाइफ ऑफ स्पीशीज इज कंटिन्यूअस. व्हाई? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अच्छा अब एक बात बताओ, हम ये पढ़ के आए हैं हमारी लास्ट क्लास में कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वन एंड द सेम थिंग है. वन एंड द सेम थिंग कि हम ये बोलते हैं कि लाइफ स्पैन के अंदर बर्थ हुआ, फिर ग्रोथ होती है, मतलब जुवेनाइल फेज के बाद जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्टिव, मतलब मैच्योरिटी में एंटर करता है, मैच्योरिटी फेज में, और अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है. राइट, बट व्हाट अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? मान लो ये कोई एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, इसके जो सेल है वो डिवाइड करेगा. सेल क्या करेगा, मतलब ग्रोथ कैसे होती है? सेल डिवीजन से होती है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास. हमने पढ़ा हुआ है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? ग्रोथ के. तो यहां से क्या बन गए? दो सेल्स बन गए. फिर ये दो सेल्स फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये क्या बना देते हैं? फोर सेल्स. ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कभी भी ऑर्गेनिज्म उसकी डेथ नहीं होती है, मतलब नेचुरल वाली जो डेथ है वो नहीं होती. एक्सीडेंटली आपने क्रश कर दिया बात अलग है. राइट, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जस्ट दे आर डिवाइडिंग एक सेल से दो सेल. तो ये पूरी की पूरी क्या है? एक यूनिसेलुलर, दिस इज अ कंप्लीट रिप्रोडक्टिव यूनिट, दिस इज द कंप्लीट रिप्रोडक्टिव यूनिट.
राइट। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दे आर कंसिडर्ड इमॉर्टल, कभी भी नहीं मरते हैं, सिर्फ इनका जो सेल है वो डिवाइड करता है, दो में दो के डिवाइड होते हैं, चार में देन आठ में, इस तरह से उनकी प्रोजेनी बढ़ती रहती है, राइट। चलो आगे देखो। हाँ जी, ये हमने लाइफ स्पैन समझा, अब आ जाओ। तो लाइफ जो कंटिन्यू करती है, पर्पस क्या है रिप्रोडक्शन का, अपने जैसे, पहले इसकी डेफिनेशन को देखो, क्या है रिप्रोडक्शन, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स produce their own progeny। progeny का मतलब क्या होता है, अपने जैसे baby offspring बनाना, मतलब अपने जैसे जो next generation है उसको बनाना। तो ये वो biological process है जिसके through क्या हो रहा है, अर्थ पर लाइफ कंटिन्यू हो रही है, हर ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखना चाहता है, और इसी वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन ही, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो चाहता है कि मेरे मरने के बाद भी जो मेरी क्या बोलेंगे, मेरी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू होती रहे, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमें यहाँ पे पर्पज समझ में आ गया, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है। और वेरिएशंस क्या, रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं, बिल्कुल आती हैं। व्हाट एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन इज, देखो ये मान लो मेरे पास एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल, सेल भी नहीं, मैं ये बोलती हूँ ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इसने क्या किए, अपना आगे जो नेक्स्ट जनरेशन जो भी इसकी बनेंगी, बेबी ऑफस्प्रिंग बनेंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर ले लो चाहे मल्टीसेलुलर ले लो, क्या होगा, बाय यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यही तो होता है, ठीक है। तो जब जेनेटिक मटेरियल के पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मान लो मैं ये, मतलब मेरे जैसे अगर मान लो ह्यूमन बींग्स अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करें, और ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस करें, तो ह्यूमन का बेबी ह्यूमन होगा, कैट का बेबी कैट होगा, डॉग का बेबी डॉग होगा, राइट। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि डॉग का बेबी डॉग जैसे ही दिखेगा, ड्यू टू दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो डीएनए के ऊपर, जेनेटिक मटेरियल के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। अब जब हमने सीखा हुआ है कि जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसकी क्या बनती है, कॉपी बनती है, क्या बनती है, कॉपी। अब ये है केमिकल प्रोसेस, तो कॉपी बनते वक्त हो सकता है कुछ एरर आ जाए, है ना, कोई म्यूटेशंस भी आ सकती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस अराइज होती हैं। और सबसे ज़्यादा वेरिएशन कहाँ दिखेंगी आपको, सबसे ज़्यादा वेरिएशंस वहाँ नज़र आती हैं जहाँ दो गैमीट्स को मिला के ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, मतलब मैं बात कर रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, ओके। अगर वेरिएशंस हार्मफुल हैं तो क्या नेचर हार्मफुल वेरिएशंस को आगे ट्रांसफ़र होने देगी, बिल्कुल नहीं होने देगी, ठीक है, क्योंकि नेचर तो खुद चाहती है कि लाइफ कंटिन्यू करे। अगर हार्मफुल वेरिएशन जाएंगी तो वो ऑर्गेनिज्म पहले ही किल हो जाएगा, बट अगर यूजफुल वेरिएशंस हैं तो वो आगे आगे ट्रांसफ़र होती है, आगे आगे जब ट्रांसफ़र होती हैं तो वो किसका बेस बनती हैं, वो एवोल्यूशन का बेस बनती हैं, और नई नई स्पीशीज ओरिजिनेट होती हैं। तो यही तो हमने सीखा है कि एवोल्यूशन के टाइम पर, जब अर्थ पे धरती पर जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हम बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म से आज जीते जागते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में आपके सामने खड़े हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलो अब हमें बताइए कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हमें पता है रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। व्हाट इज इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने सीखा हुआ है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इज बाई पेरेंटल, ठीक है। और गैमीट्स हो सकता है बन भी जाए, हो सकता है ना भी बने, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमीट्स में और मे नॉट फॉर्म,
ठीक है, हो सकता है गैमीट्स बन भी जाए, हो सकता है गैमीट्स ना भी बने, बट यहाँ पे क्या होगा, गैमीट फॉर्मेशन मतलब गैमिटोजेनेसिस पक्का से होगा। मेल फीमेल दो पेरेंट्स होते हैं, मेल क्या बनाता है, मेल गैमीट, फीमेल बनाएगा, फीमेल बनाएगी फीमेल गैमीट, ठीक है। तो गैमिटोजेनेसिस मतलब गैमीट्स तो बनेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स भी देखने को मिलेगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और इसी फ्यूजन के टाइम पर क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंबाइन करेगा और क्या बना देगा, एक यूनिक जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसकी वजह से क्या आती हैं, वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर तो कोई ऐसा फ्यूजन हुआ नहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जेनेटिक मटेरियल का जब पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देता है पेरेंट अपनी कॉपी बनाकर, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, क्लोन्स बनेंगे, नो वेरिएशंस, क्या बनेंगे, क्लोन्स बनेंगे। क्लोन्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। ओके, अब मुझे बात बताओ, ये ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म, क्या वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी पर, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं, क्यों एक ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है और क्यों एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। हम देखेंगे कि जितने भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है, वो सब के सब कौन सा रिप्रोडक्शन शो करते हैं, दे शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसे जैसे हायर फॉर्म्स की तरफ हम जाते जाएंगे, हायर प्लांट्स की तरफ, हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ, तो एसेक्सुअल से शिफ्टिंग कहां पर हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। क्यों? क्योंकि नेचर क्या चाहती है, वेरिएशंस, और वेरिएशंस हमें पता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हमें दिखाई देती है। तो वेरिएशंस लाने की वजह से, जो नेचर का एक तरह से अपना एक है फंडा, जितनी वेरिएशंस होंगी दे आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज और दे बिकम द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो इन सब बातों पर डिपेंड करती है। चलो एक बार हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, क्लोन्स। Clones are exactly identical copies. Exactly identical copies of their parents. ठीक है? Okay. These are genetically as well as morphologically these are similar. ठीक है? चले आगे. ये हमने बात की asexual reproduction की. अब देखो. There are different modes of reproduction that are shown by organism, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें हम और अच्छे अच्छे लिखेंगे, एक तो देखो बेटा ये सबसे सिंपल होती है, दूसरा ये क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। सिंपल होती है, फास्ट होती है, सिंगल पेरेंट चाहिए और कुछ भी नहीं हमें चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो इट इज़ शोन बाय प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मोस्टली इट इज़ शोन बाय प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में आ गए आपके मोनीरा आ गए, प्रोटिस्टा आ गए, है ना, लोअर एल्गी, लोअर फंजाई जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है कि इट इज सिंगल पेरेंट, और यहाँ पे क्या बनते हैं, नो वेरिएशन, जिसकी वजह से ये क्या है, क्लोन्स बनते हैं यहाँ पर, राइट। चलो अब एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखी थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स मे और मे नॉट, गैमेट्स मे और मे नॉट फॉर्म, ठीक है। तो मुझे एक रिप्रोडक्शन, एक ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मुझे बात करनी है आपसे जिसमें गैमेट्स बनते हैं बट फ्यूजन नहीं होता। फ्यूजन तो फॉर श्योर नहीं होता है किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, बट गैमेट्स बन सकते हैं, गैमेट्स बन भी सकते हैं, गैमेट्स नहीं भी बन सकते, ठीक है। ओके, तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रख रही हूँ, किसका, हनी बी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। हनी बी ने क्या किया, हनी बी दो तरह के एग्स देती है, हनी बी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ एग्स। अब आपको पता है एग क्या है, गैमीट्स है। कैसे गैमीट्स है, हैप्लॉइड गैमीट्स है, ठीक है। तो एग का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए दूसरे मेल गैमीट के साथ, तब तो ये बन जाएंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हनी बी या बाकी जो भी हो, जो भी मतलब जो उसके हनी बी के कॉम के अंदर देर आर वर्कर्स ड्रोन्स, है ना, उस तरह की बात कर रहे हैं हम, वर्कर्स, स्टेराइल वर्कर ड्रोन्स। तो ये क्या हुआ, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड मेल बने, देखो बेटा इसमें सीधे,
तो दिस इज वर्कर हनीबी। तो ये जो प्रोसेस है डायरेक्ट एक गैमीट का डिवेलप हो जाना ऑर्गेनिज्म के अंदर विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, विदाउट एनी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। तो ऐसे बोलेंगे फॉर्मेशन या डिवेलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन के बिना अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सीधा डिवेलप हो रहा है तब हम उसको बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। ये चीज़ हमें प्लांट्स में भी देखने को मिल सकती है और एनिमल्स के अंदर हमने एग्जाम्पल किया, इट कैन बी सीन इन हनी बी। ड्रोन्स की बात कर रही हूँ, दैट इज स्टराइल वर्कर्स। देन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमें पता है कि एसेक्सुअल मोड्स के बहुत सारे रिप्रोडक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, पहला हमारा ले लो फिशन। ठीक है, फिशन कितनी टाइप की होती है? बाइंड्री फिशन, बाइंड्री फिशन, और दूसरी मल्टीपल फिशन, दूसरी मल्टीपल फिशन। ठीक है, सेकेंड हम ले लेते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के साथ ही हम ले लेंगे क्या, रीजनरेशन की बात भी अभी करेंगे, राइट। देन नंबर थ्री पे हम ले लेते हैं बडिंग। बडिंग, बड कैन बी एक्सोजीनस, बड कैन बी एंडोजीनस, राइट, बड कैन बी एक्सोजीनस, बड कैन बी एंडोजीनस। ओके, और क्या ले सकते हैं हम, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं हम बाइंड्री फिशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बाइंड्री फिशन की बात कर लेते हैं। देखो मैंने बोला फिशन, फिशन का सीधा साधा मतलब है टू डिवाइड, फिशन का सीधा साधा मतलब है टू डिवाइड। ठीक है, कितनी तरह की फिशन होती है, कितनी तरह की फिशन होती है हमारे पास, देयर इज टू टाइप्स ऑफ फिशन। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन। ठीक है, बाइनरी फिशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इंटू टू, डिवाइड्स इंटू टू। कैसे डिवाइड करेगा, देखो फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं एक पेरेंट सेल अमीबा ले रहे हैं, है ना, अमीबा की बात की मैंने, क्या है ये पेरेंट अमीबा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, दैट इज न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस में डिवाइड किया, दो में डिवाइड होगा। दो में डिवाइड कैसे होता है कि जरा सा स्ट्रेच होना शुरू होगा और दो में डिवाइड होने के बाद कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी मच सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यही हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड किया, दो में डिवाइड किया, फिर इसका ये जो साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स सब डिवाइड किए और बीच में स्ट्रेच आने की वजह से अब ये जो ऑर्गेनिज्म है स्प्लिट कर गया किसमें, दो डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, तो सो सिंपल बाइनरी फिशन इज। ठीक है, क्या हुआ, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जस्ट दो में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, आगे आ जाओ। अब अगर मैं बात करूँ मल्टीपल फिशन की, मैं बात करूँ अगर मल्टीपल फिशन की, मल्टीपल फिशन के एग्जांपल बोलो। बाइनरी फिशन में तो आपने बोल दिया बैक्टीरिया भी हो सकता है, अमीबा भी हो सकते हैं, राइट। मल्टीपल फिशन में आ जाओ, हमने पढ़ा हुआ है बहुत छोटी क्लासेस में एग्जांपल, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। क्या होगा बेटा इसमें, क्या होगा, मान लो ये प्लाज्मोडियम के इसके अंदर क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, और इन न्यूक्लियाई को सराउंड करके क्या हो जाए, साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस होने की वजह से, साइटोकाइनेसिस होने की वजह से यहाँ पे क्या बन गए, सारे डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो एक बहुत सारे डॉटर सेल्स कहाँ बन जाते हैं, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये क्या करेंगे, रप्चर कर जाएंगे, इट विल रप्चर,
रप्चर करके क्या करेंगे, ये सब डॉटर अमीबाई जो है या डॉटर सेल्स जो है सब के सब बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, दे ऑल विल कम आउट. दिस इज मल्टीपल फिशन. किसके अंदर देख रहे हैं हम, प्लाज्मोडियम के अंदर, राइट. बट क्या अमीबा भी शो करता है बेटा, क्या अमीबा भी शो करते हैं अमीबा? हमने तो बाइनरी फिशन सुना हुआ है, मोस्टली बच्चे यही बोलते हैं. नहीं, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो अमीबा भी डिवाइड करता है बाय मल्टीपल फिशन. देखो क्या होगा, एक अमीबा की अगर मैं बॉडी ले लूँ, अगर मैं इरेगुलर सी अमीबा की बॉडी ले ली मैंने, ठीक है, तो मान लो कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, तो ये क्या करता है, सबसे पहले अपने ये जो इसके क्या है, स्यूडोपोडिया, क्या है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा. स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करने मतलब अपने आप को ऐसे कॉम्पैक्ट करके एक क्या बना देगा, राउंड से स्ट्रक्चर बना देगा, राउंड से स्ट्रक्चर बना देगा. तो ये कौन सी कंडीशन में बनी, अनफेवरेबल कंडीशन में. तो अपने अराउंड थ्री लेयर्स की क्या बना देगा, सिस्ट बना देगा. वन ऐसे, ये क्या बन गई बेटा, ये बन गई सिस्ट, दिस इज सिस्ट, ठीक है. ये कब की बात कर रही हूं मैं, अनफेवरेबल कंडीशंस की, अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, ओके. अब क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशंस आ गई, अच्छे दिन आ गए बेचारे के. पहले बुरे दिन थे, क्या किया, बुरे दिन थे तो घर के दुबक के बैठ जाता हूँ और अपने आप को चारों तरफ से कवर कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा सके, ओके. अब आ गए जिसके अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आए मतलब फेवरेबल कंडीशंस आई, फेवरेबल कंडीशंस आई, तो इसने क्या करना शुरू किया, इसने बहुत सारे जो इसके न्यूक्लियर डिवाइड किए, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, ऐसे कर करके बहुत सारे डॉटर अमीबी बन गए. क्या बन गए, डॉटर अमीबी बन गई, राइट. ये क्या है, ये डॉटर अमीबी, डॉटर अमीबी, राइट. चलो अब जैसे ही बहुत सारे इसके अंदर भर जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, दैट विल रप्चर, और क्या कर जाएंगे ये सारे डॉटर अमीबी, दे विल बी रिलीज्ड. ये सारे क्या है, डॉटर अमीबी. तो आपसे पूछे क्या अमीबा मल्टीपल फिशन शो करता है, आप बोलेंगे बिल्कुल करता है. कब करता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव जब करना होता है उसको, तो पहले क्या बनाते हैं, सिस्ट. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं, यहां लिख देती हूँ, मल्टीपल फिशन इन अमीबा कब शो करती है, बाय द प्रोसेस ऑफ एनसिस्टेशन. जो सिस्ट बनने का प्रोसेस है इसको हम बोल देते हैं एनसिस्टेशन, एनसिस्टेशन, राइट. तो अब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, डॉटर अमीबा रिलीज हो जाएंगे और दे विल रीगेन देयर स्यूडोपोडिया. इस तरह से ये स्यूडोपोडिया अपने गेन कर लेंगे और बाकी अमी भी बन जाएंगे, ठीक है. ये हुई मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन की बात, ओके. दूसरा प्रोसेस आ जाओ फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं. तो फ्रेगमेंट्स के अंदर हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जितने भी डेलिकेट सी बॉडीज होती है ना बेटा, उनकी बॉडी क्या करती है, जरा सी स्ट्रेच होती है ब्रेक कर जाती है. जैसे कि हम देखेंगे स्पायरोगायरा, हमें एग्जाम्पल पता है, दैट इज स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा. या एनिमल्स की बात करो तो आप देख सकते हो प्लैनेरिया में, प्लैनेरिया में फ्लैटवॉर्म्स, ठीक है. फ्लैटवॉर्म्स का अगर मतलब एक भी पार्ट अगर मान लो कट हो जाए तो उस पूरे पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. क्यों, क्योंकि इनके पास जो सेल्स होते हैं दीज आर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की. तो ऐसे ही प्लैनेरिया बहुत अच्छा रीजनरेशन दिखते हैं. थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी रहती है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के बीच में. रीजनरेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर एक्सीडेंटली कोई पार्ट कट जाए जैसे कि स्टार फिश का, जैसे कि प्लैनेरिया के अंदर, तो वो पार्ट रीजनरेट हो जाता है. और फ्रेगमेंटेशन में अगर मान लो किसी भी जैसे ग्रीन एल्गी की बात करें, स्पायर वगैरह की बात करें, तो जब वो कट हो जाते हैं, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, तो हर फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, ठीक है. तो सच अ सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज. आगे देखो, नेक्स्ट है हमारे पास बडिंग, ठीक है. तो बडिंग देखो, बडिंग बेसिकली क्या होता है, बडिंग इज एन आउटग्रोथ. बडिंग में क्या होता है, बड, बड क्या है, एक आउटग्रोथ है. बड इज एन आउटग्रोथ, ठीक है. अब ये बड कैसा हो सकता है, इट कैन बी एक्सोजीनस, इट कैन बी एंडोजीनस, इट कैन बी एक्सोजीनस, इट कैन बी
एंडोजिनस. एक्सोजिनस बडिंग की हम एग्जांपल ले सकते हैं किसकी, यीस्ट की. हाइड्रा के ऊपर आप देख सकते हो एक्सोजिनस बडिंग. एंडोजिनस बडिंग आपको दिखेगी स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस. स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, ठीक है. इनके अंदर आपको क्या दिखते हैं, गैम्यूल्स. क्या दिखेंगे, गैम्यूल्स, ठीक है. चलो एक बार आओ, लेट अस सी द डायग्राम. देखो बडिंग में देखो ये क्या पेरेंट सेल है, यीस्ट है. यीस्ट का न्यूक्लियस डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म डिवाइड किया और बॉडी पे ना देखो ये बड बन गया. बड क्या होते हैं, बेसिकली आउटग्रोथ होती है, जिसके बाद सेल्स कैसे होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स हैं. और ये मास ऑफ सेल्स क्या करते हैं, जब ये बड के अंदर सब कुछ पूरा ऑर्गेनिज्म डिवेलप होएगा, बॉडी से अटैच रहता है बड, ठीक है. फिर थोड़ा सा ग्रो करेगा, इट कैन गिव राइज टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. बट अगर हम हाइड्रा में बात करें, जैसे मान लो हाइड्रा की बॉडी के साथ ये आउटग्रोथ से आई और आउटग्रोथ बड जो है डिवेलप हो गया बेबी हाइड्रा में, ठीक है. बॉडी के साथ अटैच भी रह सकता है, या जब ये मैच्योर हो जाएगा इट विल फॉल डाउन एंड विल फॉर्म अ न्यू हाइड्रा, ठीक है, नया हाइड्रा बना देगा, राइट. चलो ये हमने बात की बडिंग की. उसके बाद आ जाओ बेटा स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम स्पोर फॉर्मेशन की बात करें, बडिंग देख लिया हमने, आगे आओ स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन देखो एल्गी में देख सकते हैं हम, इन एल्गी, एल्गी के अंदर या फंजाई के अंदर, दे रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन. एल्गी के अंदर जैसे कि हम बात करें ग्रीन एल्गा क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, तो उसके अंदर क्या बनते हैं, जू स्पोर्स. क्या बनते हैं, जू स्पोर्स. और अगर मैं फंजाई की बात करूँ तो हम बात करेंगे कॉनिडियोस्पोर्स. कॉनिडियोस्पोर्स कहाँ दिखेंगे, ये आपको कॉनिडियोस्पोर्स आपको दिखेंगे. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्जांपल किसका, पेनिसिलियम का. और जो स्पोर्स हम देख लेते हैं क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के अंदर, ठीक है. चलो डायग्राम से समझते हैं, ओके. हाँ ये जो आपको दिख रही है ना बेटा चेन्स, आपको ये जो दिख रहे हैं ना ये चेन्स, ये क्या है, दीज आर कॉनिडिया, दीज आर कॉनिडिया. एग्जाम्पल किसका, पेनिसिलियम का. व्हाट इज दिस, दिस इज गैम्यूल, दिस इज गैम्यूल. गैम्यूल किसके अंदर देखा हमने, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस के अंदर. गैम्यूल में क्या होते हैं, ये जो पूरा मास ऑफ अंदर जो सेल भरा हुआ है ना आर्कियोसाइट्स, ये सारे क्या है, टोटिपोटेंट सेल्स हैं. ये सारे के सारे कौन से सेल्स हैं, टोटिपोटेंट सेल्स हैं. याद रखोगे टोटिपोटेंट सेल्स, जिनके पास कैपेसिटी होती है पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाने की, ठीक है. और ये दिख रहे हैं आपको कैल्शियम के स्पिक्यूल्स. ठहरो इसको थोड़ा वाइट कलर से, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये क्या है, कैल्शियम स्पिक्यूल्स. प्रोटेक्शन के काम आते हैं बेटा, ड्राई एंड डेसिकेशन से बचाने के काम आते हैं. तो गैम्यूल्स क्या है, एंडोजिनस बर्ड है, स्पॉन्जिला की बॉडी के अंदर बनते हैं. और इनके अंदर क्या क्वालिटी है, दे कैन गिव राइज टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई है 10th क्लास में भी, राइट. चलो ये क्या है, व्हाट आर दिस, दीज आर जू स्पोर्स. जू स्पोर्स कैसे होंगे बेटा, हमेशा मोटाइल्स होंगे. दीज आर मोटाइल मतलब मूव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से मूव करेंगे, इनके पास होते हैं ये फ्लैजेला. क्या होते हैं, फ्लैजेला. तो ये क्लेमाइडोमोनास के क्लेमाइडोस्पोर्स भी बोलते हैं, या इनको जू स्पोर्स भी बोलते हैं, राइट. तो ये कुछ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, किसके, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इसके अलावा हमारे पास ना एक और होता है जिसको थोड़ा सा अपने, दैट इज प्लाज्मोटोमी. प्लाज्मोटोमी इट इज सीन इन मल्टी, जो नेचुरली मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स, मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. जैसे कि ओपिलिना फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, पीलोमिक्सा, ओपिलिना, ठीक है. इनके अंदर क्या होता है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, हमने अभी भी ये समझा कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. तो यहाँ क्या होगा, साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, ठीक है. चलो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं. तो ये और न्यूक्लियस है, बहुत सारे सेल्स नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियस, ये डिवाइड किया टू में बेटा.
तो मान लो यहाँ पे 14 न्यूक्लियाई थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो दोनों सेल्स के अंदर क्या आ गए, आधे आधे न्यूक्लियाई आ गए। अब इनके अराउंड क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, पहले साइटोकाइनेसिस हुई, फिर ये फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियाई का जो डिवीजन है वो बाद में होगा, फिर ये न्यूक्लियाई डिवाइड करेंगे और अपना नंबर रिगेन कर लेंगे, किसको, इसके 14 बन जाएंगे, इसके 14 बन जाएंगे। तो 7 से इसने अपना नंबर रिगेन कर लिया, इसने 7 से अपना नंबर रिगेन करके क्या बन गया, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। कहाँ दिखती है, पिलोमिक्सा और ओपेलिना के अंदर, राइट। आई होप यहाँ तक हमें सब कुछ क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। ओके, अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो वहाँ भी अब हम टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना यूज करके हम टर्म यूज करेंगे वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स। क्या हम यूज करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मतलब, देखो प्लांट्स के अंदर हमें पता है कि जो रिप्रोडक्शन है, दैट इज जो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करूँ, दैट इज थ्रू फ्लावर, ठीक है। तो दैट इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट स्ट्रक्चर। बट अगर इसके अलावा रूट, स्टेम और लीफ भी अगर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। तो रूट भी कर सकते हैं, स्टेम भी हो सकती है, लीफ भी हो सकती है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। कौन कौन से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कौन कौन से मेथड्स हो सकती है, दैट कैन बी बाय रूट, दैट कैन बी बाय स्टेम, दैट कैन बी बाय लीफ, ठीक है। अगर हम रूट की बात करें तो क्या होता है, रूट्स के ऊपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वीट पोटैटो, हम बात कर रहे हैं शकरकंदी की, स्वीट पोटैटो क्या होगा, स्वीट पोटैटो में रूट है, ठीक है, इट विल ग्रो अंडरग्राउंड। तो इसके ऊपर ना कुछ ऐसे बर्ड्स आए थे, बर्ड्स से फिर रेडिकल बर्ड्स बोलते हैं, इनसे फिर क्या होता है, नया जो प्लांट है वो ग्रो कर जाता है, ठीक है, नई रूट। तो दैट इज स्वीट पोटैटो, डालबर्जिया सिसु, डालिया, इनकी हम एग्जांपल ले सकते हैं। स्टेम की बात करें तो स्टेम के पास क्या होता है, आपको पता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। तो स्टेम की एग्जांपल, एक सेकंड पीछे आते हैं, देखो अगर हम स्टेम की बात करें, द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, फॉर एग्जाम्पल हम रनर्स की बात कर लेते हैं, रनर्स कहाँ दिखते हैं, ग्रास में, ठीक है। क्या होता है, मान लो ये ग्रास है और सॉइल है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रास ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजेंटल से ब्रांच चलती है, बिल्कुल हॉरिजेंटल सॉइल के ऊपर ऊपर, जहाँ जाके इसके ऊपर क्या होता है, नोड्स एंड इंटरनोड्स होंगे, है तो ये स्टेम, एक स्टेम से हॉरिजेंटल ब्रांच निकलती है, और वेयर एवर द नोड टचेज द सॉइल, तो वहीं से क्या शुरू हो जाते हैं, नया प्लांट ग्रो कर जाता है, फिर एक ब्रांच निकली हॉरिजेंटल, फिर जाके सॉइल को टच की। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि जैसे जो प्लांट है ना, घास जो है ना, भाग रही है फटाफट, जहाँ जहाँ नोड टच करेंगे सॉइल के साथ, वहीं पे ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी नए प्लांट की। तो ऐसा लगता है, आपने देखा भी होगा कि घास बहुत तेजी से पूरे के पूरे ग्राउंड को कवर कर लेती है, तो ऐसे इसलिए इनको हम नाम दे रहे हैं रनर। रनर किसकी एग्जाम्पल है, स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेयर एवर द नोड्स विल टच द सॉइल, क्या होगा, वहां पर द न्यू प्लांट विल ग्रो। ओके, स्टोलन्स देखो, स्टोलन्स में क्या होगा, आर्क्ड नोड, इसके अंदर यहाँ हॉरिजॉन्टल ब्रांच थी, यहाँ पे होगी आर्क ब्रांच, एक बेटा लूप सा बनेगा, मान लो ये प्लांट है और इसकी जो ब्रांच है ना, ऐसे लूप सा बना के, वेयर एवर इट विल टच नोड, जहां भी टच करेगा वहीं से क्या करेगा, इसका नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टोलन। ट्यूबर पे आ जाओ, ट्यूबर के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं किसका, पोटैटो का। पोटैटो देखो, दिस इज अ जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। पोटैटो को अगर आपने घर में कभी देखा हो तो आपको ना ये कुछ ऐसी लाइन्स ही दिखती हैं। ये लाइन्स क्या है, दिस आर नोड्स, और इनके ऊपर ना यू कुछ येलो येलो से कलर के आपको पत्तियां सी दिखती हैं, दिस आर द जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। आप एक काम करो, इतने से पार्ट को कट कर दो पोटैटो के, और सॉइल के अंदर उसको भेज दो, नया पोटैटो ग्रो कर जाएगा, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, दैट इज थ्रू स्टेम। ऐसे जब हम बात करें बल्ब और बल्बिल्स की, तो ये किस में आते हैं, अनियन में, गार्लिक में, ठीक है, जैसे कि ये अगेव है,
छोटे छोटे बल्बेस बन जाते हैं, बल्ब, जैसे हमने देखा होगा कॉम्पैक्ट सा स्टेम होता है बेटा उनका, तो उन स्टेम से क्या करता है, नया प्लांट ग्रो कर रहा है। ऐसे हम बात करें सिकर्स की, मिंट, ठीक है, ये क्या होते हैं, वीक, दीज आर द वीक प्लांट। सकर्स क्या करते हैं, दे आर वही चीज है, जहां जहां उनका नोट्स टच करेगा दे विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। ऐसी राइजोम, जिंजर, जिंजर की बात कर लो, राइजोम, टर्मेरिक, राइजोम, टर्मेरिक, ठीक है। इनके ऊपर ये देखो, ये जो लाइन में दिख रही है ना, ये क्या है, ये नोट्स है, इनके ऊपर देखो स्केली लीव्स है, तो इस पे बर्ड्स नजर आ रहे हैं, तो इन नोट से क्या होगा, देखो ये रूट्स ग्रो कर रही है, तो न्यू प्लांट कैन ग्रो। दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम, दीज आर द अंडरग्राउंड स्टेम। ऑफसेट देखो, राइजो में एग्जाम्पल लिख लो, जिंजर की, टर्मेरिक की, ठीक है। ऑफसेट देख लो, ऑफसेट क्या होता है, वन इंटरनोड लेंथ होती है इसकी, वन इंटरनोडल, सॉरी वन इंटरनोडल लॉन्ग, वन इंटरनोडल लेंथ होती है, ठीक है। दिस इज सीन इन एक्वेटिक प्लांट्स ऑफसेट, जैसे कि वाटर हायसिंथ, आइकोर्निया, है ना, वाटर हायसिंथ, आइकोर्निया। क्या होता है इसके अंदर, देखो देर आर टफ्ट्स ऑफ रूट्स, टफ्ट्स ऑफ लीव्स, इस तरह का ये प्लांट होता है, दैट इज एक्वेटिक। तो वाटर के नीचे से यहाँ से एक ब्रांच इसकी हट जाती है और नोट से फिर वही टफ्ट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ ब्रांचेस ग्रो होते हैं। क्या फर्क है इस ऑफसेट में और रनर में, रनर में थी हॉरिजेंटल ब्रांच, यहाँ है अंडर द वाटर, वहाँ होती है हार्ड वाली ब्रांच, यहाँ होती है सॉफ्ट वाली ब्रांच, राइट। तो सारे के सारे इसमें टिश्यूज कौन से होंगे, एक्वेटिक है तो एरेनकाइमा, तो जो इनके पार्ट्स होते हैं दे आर सोलन, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ऑफसेट के अंदर बस ये दो दो नोड्स के बीच में, दिस इज इंटरनोडल, तो वन इंटरनोडल लेंथ के प्लांट्स हैं ये। टेरर ऑफ बंगाल में हम बात करें, हमने एग्जाम्पल ली किसकी, वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ या आइकोर्निया, आइकोर्निया। देखो क्या हुआ था, ये जो आइकोर्निया या वाटर हायसिंथ का जो प्लांट है, इसको ब्रिटिशर्स के जो टाइम में इंडिया में, दिस इज एन कि बाहर से इनको लाया गया, ठीक है। क्यों लाया गया, पॉन्ड्स की ब्यूटी बढ़ाने के लिए। हम तो ये अच्छा सोच के लाए थे कि बड़े बड़े लीव्स से हमारे पॉन्ड्स को डेकोरेट करेंगे, ब्यूटी बढ़ाएंगे, बट ड्यू टू दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये प्लांट इतनी तेजी से ग्रो करता है कि बहुत जल्दी पूरे जो पॉन्ड के पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, और वाटर बॉडी के अंदर एक्वेटिक लाइफ भी है, राइट। तो जब बंगाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया तो फिश की जो लाइफ थी या एक्वेटिक लाइफ थी उस पर खतरा आ गया, मतलब एक्वेटिक लाइफ खत्म होनी शुरू हो गई। अब फिश क्या है, फिश क्या है, स्टेपल फूड है बंगाल का, फिश क्या है, स्टेपल फूड। तो जब फिश के लाइफ को खतरा होना शुरू हो गया ड्यू टू दिस वाटर हायसिंथ, तब हमने, तब से इस प्लांट को बोला जाता है इट इज टेरर ऑफ बंगाल, राइट। चलो आगे चले, ओके लीफ पे आ जाओ। हाँ, ये हमने स्टेम के अभी सारे समझ लिए, लीफ में हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ठीक है। क्या होता है, ब्रायोफिलम के पास इस तरह से नोचेस के ऊपर ये बर्ड ग्रो करते हैं, जैसे ही बर्ड ये फॉल कर जाते हैं दे कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट, राइट। तो इस तरह से लीफ से भी प्लांट ग्रो कर सकता है। तो ये हमने की बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हमने किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने समझा दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो फिलहाल हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को समझ लिया, अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ओके, देखो हमने ये सुना कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बट क्या लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी या फंजाई, क्या वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं? यस, करते हैं। कब शो करते हैं? बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन, बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस, एडवर्स कंडीशंस क्या करते हैं, दिस लोअर ऑर्गेनिज्म कैन स्विच टू विच रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जनरली कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, हमने ये देखा इट इज बाईपेरेंटल, इट इज बाईपेरेंटल। थोड़ी सी क्या है ये, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और क्या है, स्लो है ये, राइट। और इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं, क्या आती हैं,
वेरिएशंस आती हैं, राइट। तो जब हम फेजेस की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ऐसा तो नहीं कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ और पैदा होते ही उसने रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, नहीं। जनरली क्या होता है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 फेजेस में, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, एक सेकेंड, वेट फॉर अ मिनट। तो हम यहाँ पे करते हैं वैजिडिटी फेज या जुवेनाइल फेज, कुछ भी बोल दो। वैजिडिटी फेज में क्या होता है और जुवेनाइल फेज, कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, बर्थ होगा, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हासिल करेगा, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, इसको मैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल सकती हूँ, प्री रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोला, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में तो रिप्रोडक्शन हो गया, देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज और एजिंग बोल दो इसको। धीरे धीरे ये जो प्रोसेसेस है ये कम होने शुरू हो जाते हैं, या हम इसको सेनेसेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स के केसेस में, राइट। तो ये हो गए हमारे फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन की बात। अगर हम बात करें इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखो बेटा, हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने ये देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाईपेरेंटल, ठीक है, बाईपेरेंटल है तो मतलब एक पेरेंट होगा आपका मेल, दूसरा पेरेंट होगा आपका फीमेल। ठीक है, मेल से बनेंगे आपके मेल गैमीट्स, क्या बनेंगे, मेल गैमीट्स, और फीमेल से क्या बनेंगे, फीमेल गैमीट, राइट। मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, क्या बोलेंगे, स्पर्म। फीमेल गैमीट को बोलेंगे एग, दोनों का होगा फ्यूजन, बनेगा जायगोट, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, राइट। जायगोट फिर डिवेलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो क्या डिवेलप होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म में, यहाँ बोल दें न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आप देखो फर्टिलाइजेशन का जो मेन प्रोसेस है, जायगोट, जायगोट से बेबी डेवलप होगा। आपको पता है गैमेट्स कैसे होंगे, ये हैप्लॉयड होंगे, हैप्लॉयड होंगे, और जायगोट कैसा बनेगा, डिप्लॉयड। तो फर्टिलाइजेशन से पहले गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट्स का फ्यूजन, इन सब को हम बोल देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद के जो आपके स्टेप्स हैं उनको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आप डिवाइड कर सकते हो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन, नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। अब देखो क्या होता है, कुछ प्लांट्स, अगर मैं प्लांट्स के केस की बात करूँ, कुछ प्लांट्स सिर्फ एक साल में एक बार ही फ्लावर करते हैं, फ्लावर मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर होते हैं, तो इनका क्या होता है, एनुअल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं एनुअल प्लांट, जिनके अंदर वेजिटेटिव फेज मतलब रिप्रोडक्शन से पहले का फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज ये एंड हो जाता है एक साल में, इज कंप्लीटेड इन 1 ईयर, जैसे कि वीट कंप्लीटेड इन 1 ईयर, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। तो क्योंकि ये एक बार ही फ्लावर करेंगे, इनका रिप्रोडक्टिव फेज एक बार ही आएगा, तो इनको हम बोलते हैं मोनोकार्पिक, क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक। ठीक है, जैसे कि आप वीट ले लो, वीट आपको पता है कि एक बार साल में एक बार पूरा प्लांट पहले वेजिटेटिव फेज में ग्रो किया, रिप्रोडक्टिव फेज आया, एक साल के बाद हमने फसल काट ली, फिर हम नया प्लांट, नया उसकी क्रॉप लगाते हैं, राइट। ऐसी बाइनियल्स, बाइनियल्स क्या करते हैं, ट्वाइस, ट्वाइस इन अ ईयर, वेजिटेटिव फेज
देन रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद डेथ. अब देखो ये भी फ्लावर एक बार ही कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, तो मतलब ये भी क्या है, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक. ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनका वेजिटेटिव फेज बहुत लंबा होता है, जिनका रिप्रोडक्टिव फेज मतलब पता ही नहीं लगता है, काफ़ी टाइम तक वो चलते हैं. तो इनके अंदर जो आप ये मान लो कि कुछ ऐसे प्लांट मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं, मल्टीकार्पिक भी हो सकते हैं, या बाईकार्पिक भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करें बैम्बू की, बैम्बू जो है 50 to 100 ईयर्स में फ्लावर करता है, तो आप इनके अंदर बता ही नहीं सकते हो कि कितना वेजिटेटिव फेस है, कितना रिप्रोडक्टिव फेस है. ऐसी हमारे एनसीईआरटी में एक और एग्जाम्पल है, स्ट्रोबिलैंथस कॉन्थियाना, स्ट्रोबिलैंथस कॉन्थियाना. ठीक है, स्ट्रोबिलैंथस कॉन्थियाना, ये जो प्लांट है ना 12 साल में फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स. ठीक है, देखो लास्ट टाइम 2006 में हुए थे बेटा फ्लावरिंग इनकी, फिर 2018 में दिखी. अब देख लो कितने साल लगेंगे, 12 साल के बाद देख लो नेक्स्ट टाइम जब इनकी फ्लावरिंग होगी. तो वेस्टर्न घाट पे ये हमें देखने को मिलते हैं, दिस इज एग्जांपल गिवन इन अवर एनसीईआरटी. देन बात करते हैं कुछ सीजनल ब्रीडर्स की. सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, दे ब्रीड, ब्रीड का मतलब रिप्रोड्यूस इन पर्टिकुलर सीजन, इन पर्टिकुलर सीजन में. ठीक है, जैसे कि डॉग्स हो गए या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, जब उनका ब्रीडिंग पीरियड होगा ना तभी वो ब्रीड करेंगे, राइट. बट कुछ होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर विच आर कंटिन्यूटी, जिनके अंदर ब्रीड कंटिन्यूसली, दे ब्रीड कंटिन्यूसली ब्रीड करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए. ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, राइट. चलो अब थोड़े से ऐसे करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए जितना भी पार्ट हमने आज तक समझा. नेक्स्ट हम कंटिन्यूएशन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, बट आज हमने जितना भी समझा एक बार उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, राइट. चलो, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ओके बताओ ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय कौन सा जो होगा इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. दिस इज लाइक योर होमवर्क, तो आपको ये बताना है कि ऑफसेट्स के अंदर कौन सी डिविजन्स मिलेंगी. नोट से हो रही है, दैट इज माइटोटिक डिविजन्स, राइट. चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना बेटा आपको. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स, एकदम सही बात. माइक्रोस्कोपिक मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड जूस पोर्स, राइट है. इन पोटैटो बनाना एंड जिंजर द प्लांटलेट्स राइजेस फ्रॉम द इंटर नोट्स प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, नहीं बेटा ये नोट से राइज करते हैं. Water hyacinth growing in the standing water drains oxygen from water that leads to the death of fish. ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी इज द रॉन्ग आंसर, मतलब रॉन्ग नॉट करेक्ट. आगे आ जाओ, विच इज द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और ये एग्जाम्पल्स हैं. बाइनरी फिशन इज सीन इन सरगैम सरगैसम कॉनिडिया पेनिसिलियम ऑफसेट वाटर हाइसिन राइजोम बनाना. यस, बाइनरी फिशन हमने देखा सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखेगी, तो दिस इज नॉट करेक्ट. सरगैसम के अंदर बाइनरी फिशन नहीं देखने को मिलती, राइट. आगे आ जाओ, द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर बेसिकली क्या है, दीज आर बेसिकली द एक्सिलरी बर्ड्स. क्या है, एक्सिलरी बर्ड्स, और बर्ड्स ही क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं नया प्लांट. विच यूनियन बिटवीन स्टॉक, ओके देखो हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का अभी हम वी विल डिस्कस कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, चलो यहीं पे कंप्लीट करते हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, इट कैन बी नेचुरल, जितने मेथड हमने अभी तक स्टडी किए दैट वाज नेचुरल, और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. आर्टिफिशियल के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, कटिंग, कटिंग के बाद हमारे पास है लेयरिंग, लेयरिंग, देन हमारे पास है ग्राफ्टिंग, राइट. ग्राफ्टिंग के बाद we can perform tissue culture. ठीक है, कटिंग के अंदर कुछ नहीं करना, सिंपल. कटिंग के अंदर क्या करना, आपको स्टेम लिया, आपको पता है स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, नोड्स, ये दो नोड्स हैं
और दो नोट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरनोट्स। ठीक है, कुछ नहीं करो, यहाँ से स्लांटिंग वाला कट दो। कैसा कट दो? स्लांटिंग कट। स्लांटिंग क्यों? ताकि नोट्स ऐसा नहीं हो कि बीच में से कट जाए, हमें चाहिए नोट्स नया प्लान ड्रॉ करने के लिए। स्लांटिंग कट दिया और हमने कट देने के बाद इस पार्ट को किसके अंदर डिप कर दिया? फाइटो हार्मोन्स में। किस में डिप कर दिया बेटा? फाइटो हार्मोन्स में। फाइटो हार्मोन्स में जब हमने डिप किया तो यहाँ से क्या करेंगी? रूट्स ग्रो करनी शुरू कर जाएंगी। ये तो हुआ कटिंग, राइट। लेयरिंग के अंदर क्या करते हैं? मान लो इसे वीक जैस्मिन या कुछ ऐसे वीक स्टेम है, ये मान लो ये पूरा इनका प्लांट है। हमने यहाँ से एक ब्रांच उठाते हैं और उस ब्रांच को नीचे लाते हैं सॉइल के लेवल तक। सॉइल के लेवल तक लाके हम इसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। और क्योंकि ये काम हम खुद कर रहे हैं तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। कंसेप्ट वही है कि जो नेचुरल प्रोपिगेशन है उसके थ्रू प्लांट कैसे डेवलप होता है फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। अब उस नॉलेज को यूज़ करके हम आर्टिफिशियली जब मैनुअल मतलब हमारी एक्टिविटी की वजह से अगर हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन करवा रहे हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो इसमें हमने समझा कटिंग के बारे में, हम समझ रहे हैं लेयरिंग के बारे में। लेयरिंग कैसी होती है? एयर लेयरिंग और ग्राउंड लेयरिंग। ये किसकी एग्जाम्पल थी? दिस इज ग्राउंड लेयरिंग। वीक स्टेम जिनका होता है ना, मिंट और जैस्मिन जैसे प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, एयर लेयरिंग कैसी होती है? एयर लेयरिंग मान लो जैसे कोई प्लांट्स है और इसकी ये ब्रांच है, फॉर एग्जांपल जैसे गुआवा हो गया या कुछ और ऐसे ही कुछ प्लांट्स। तो ये वाली ब्रांच हम क्या करते हैं? इस ब्रांच के टिश्यूज़ को एक्सपोज करते हैं, टिश्यूज़ को एक्सपोज करते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूँ ग्राउंड लेयरिंग के अंदर आउटर टिश्यूज़ रिमूव्ड, ठीक है। और अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनको एक्सपोज किया जाता है, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं? रैपिंग कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? रैपिंग कर देते हैं। इनर टिश्यूज़ एक्सपोज्ड, ठीक है। फिर इनके राउंड्स जब हम सॉइल बांध देंगे या इसको फिनेरिया या मॉस से हम रैप कर देंगे तो क्या होगा? क्योंकि हमने इनर टिश्यू को एक्सपोज किया, उस टिश्यू के पास कैपेबिलिटी है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो जिससे क्या होगा? रूट्स और शूट डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। और फिर हम इस पार्ट को, ब्रांच को कट करके, इस वाली ब्रांच को कट करके कहाँ कर देंगे? सॉइल के अंदर लगा देंगे और इससे क्या होगा? नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ये हुई आपकी लेयरिंग। अब आओ ग्राफ्टिंग पर। ग्राफ्टिंग के अंदर देखो क्या होता है। ग्राफ्टिंग बेसिकली क्या करते हैं? मान लो मेरे पास एक रोज का प्लांट है। मेरे पास क्या है? एक रोज का प्लांट है। इसको यहां से उठाते हैं क्योंकि हम आर्टिफिशियली डिस्कस करें। मान लो मेरे पास है रोज का प्लांट। एक प्लांट ऐसा है जिसके पास एरोमा खुशबू बहुत अच्छी है, लुक्स बहुत अच्छे हैं, ब्यूटीफुल है। और दूसरे वाला प्लांट क्या है? डिजीज रेजिस्टेंट है, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने दोनों के, एक का मैंने क्या लिया? स्टॉक, मतलब जो पार्ट जमीन के अंदर लगा हुआ है, ये इसकी मान लो रूट्स है। ये कौन सा फ्लावर है? रोज का ही फ्लावर है, विच इज़ डिजीज रेजिस्टेंट। मैं ये चाहती हूँ इस डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर एरोमा वाली क्वालिटीज़ भी आ जाएँ। तो मैंने क्या किया? इस प्लांट का ये वाला पार्ट लिया। कौन सा पार्ट? रूटेड पार्ट, जिसको मैं बोलूँगी स्टॉक। स्टॉक पार्ट क्या बनाएगा? रूट। और एरोमा वाला जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है, जो दिखने में बहुत अच्छा है, उस प्लांट का मैंने लिया स्टेम वाला पार्ट। स्टेम या शूट कह लो इसको, इसको क्या बोलेंगे अपने? शूट बोल देते हैं। शूट इसको बोलेंगे अपने स्क्वाइन। जो हमने शूटेड वाला पार्ट लिया दैट इज़ नोन एज स्क्वाइन। तो इसके ऊपर इस तरह से हम कट लगाएंगे और ऐसे ही कट हम स्टॉक वाले पार्ट में लगाएंगे। इसको कहाँ लेकर आएंगे? यहाँ पर लेकर आएंगे और इसको इसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। और थोड़े दिन में क्या होगा? दोनों प्लांट्स आपस में ज्वाइन कर जाएंगे और अब ये जो नया वाला प्लांट बनेगा इसके पास दोनों प्लांट्स की क्वालिटी है, दैट इज़ इट इज़ डिजीज रेजिस्टेंट ऑल्सो एज वेल एज हैविंग गुड एरोमा एंड ब्यूटिफुल पैटर्न्स, ये जो कह लो ऑर्नामेंटल क्वालिटीज़ भी हैं इसके अंदर, राइट। तो ये हुई आपकी ग्राफ्टिंग की बात, ओके। टिश्यू कल्चर में देखो क्या करते हैं। दिस अबाउट ग्राफ्टिंग, दिस इज अबाउट ग्राफ्टिंग। आगे आ जाओ, टिश्यू कल्चर पे आ जाओ। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के अंदर क्या करते हैं? हम कुछ सेल्स लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल लेते हैं और उन सेल्स को, यहाँ मैं लिख रही हूँ, ठहरो,
मेरिस्टेमेटिक सेल्स को लैब के अंदर ग्रो कराया जाता है. मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे आर ग्रोथ करवाई जाती है इनकी. ग्रोथ से क्या बनता है, मास ऑफ सेल बनता है जिसको बोलते हैं कैलस. और इनको फाइटो हार्मोन जैसे ऑक्सिन या साइटोकाइनिन्स दिए जाते हैं. फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स. तो जिसकी वजह से क्या होता है, फिर इस कैलस से वी कैन डेवलप न्यू प्लांट इन स्टेराइल कंडीशन. और जब बेबी प्लांटलेट्स हमारे पास ग्रो कर जाएंगे तो उनको हम गार्डन में या फार्म के अंदर सॉइल के अंदर सो कर सकते हैं ताकि एक बार में ही हमें मेरिस्टेमेटिक सेल से बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएं. ठीक है, तो दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चर. ठीक है, चलो अब देखो, सॉरी एक सेकेंड, अब आओ हमारे क्वेश्चन पे. विच यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड स्कॉइन इन ग्राफ्टिंग इज फर्स्ट टू अकर. ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं हम लोग. फॉर्मेशन ऑफ कैलस, प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, नो. डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू वैस्कुलर टिश्यू, रीजनरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस. ये क्या लिखा हुआ गया, ये नहीं आएगा. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू वैस्कुलर टिश्यू, नया वैस्कुलर टिश्यू पहले डिवेलप होगा. राइट, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर जो आज का जो हमारा डिस्कशन था, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ इन लोअर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा, एमसीक्यूज किए. और साथ ही साथ हमने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और किस तरह से ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. और इसी के साथ ही अब आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करनी है हमारी दी हुई डीपीपी होमवर्क. एनसीईआरटी में से चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है. हमने एक एक वर्ड को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की हमारी आज की क्लास में. सो इट इज़ द टाइम टू से थैंक यू एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल.